श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि फटी हुई जीन्स अगर आप पहनते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो फटी हुई जीन्स पहनने से होती है। आजकल जितने यंगस्टर्स हैं उन सब के बीच फटी हुई जीन्स पहनने का ट्रेंड आप देख ही रहे होंगे। फेंगशुई में इसे बुरा माना जाता है और कहा जाता है कि इस तरह के कपड़े हमारे लिए बैड लक लेकर आते हैं। आप सेलिब्रिटी लुक की बातें मत कीजिएगा कि वो सेलिब्रिटी लुक पहन रहे हैं और वो देखो करोड़पति। यही नहीं, इनफैक्ट कोई भी फटा हुआ या फेडेड कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, फिर चाहे वो कितना ही फैशनेबल क्यों ना हो। इस तरह के कपड़े पहनकर आप अपने फ्रेंड्स के बीच भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन ये आपके गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। इस तरह के कपड़े पहनना दरिद्रता को न्योता देना है। यह सिर्फ बाहर जाने को लेकर ही बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि अगर घर पर हैं या घर से ही काम करते हैं तो भी आपको फटे और पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा जब आप रोज़ाना सुबह उठें तो आपको सबसे पहले अपनी नाइट ड्रेस को उतार कर कुछ प्रॉपर और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आंखों को अच्छा लगे। ऐसा करने से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएंगे, और जब आप ऐसा रोज़ाना करने लगेंगे तो यह आपके लिए गुड लक भी लेकर आएगा। आपने दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे स्माइल और साफ सुथरे कपड़ों के साथ करना चाहिए, और इतना ही नहीं, कपड़ों को धोने के बाद उन्हें हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, इससे उनमें वाइब्रेंट एनर्जी आती है। धुले और सूखे हुए कपड़े को कभी भी रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रात में एनर्जी नेगेटिव हो जाती है जो कपड़ों में भी आ जाती है, और जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो इसका असर हम पर भी होता है। महीने में कम से कम एक बार अपने तकिए और गद्दों को धूप में सुखा देना चाहिए, इससे उनमें जमे हुए जर्म्स और बैक्टीरियाज तो मरते ही हैं, इनमें अच्छी वाइब्रेशन भी आ जाती है। अगर घर में कोई बीमार है तो व्यक्ति जिस बेड पर रहता है उसके गद्दे और चादर को धूप में दिखा देना चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल सके। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कीजिए, और ये एक हेल्दी और खुशनुमा माहौल बना सकता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।